रही हो एंड मैं जा रही हूँ ऑन अ ट्रिप. सो फुल रेन एंड दिस इज सो शिटी. नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. लेट अस स्टार्ट. लेट मी रिमूव एवरीथिंग. ठीक है, सारे स्लीपर्स वगैरह. इतना कचरा भर रखा है मैंने, देख सकते हो. पूरा खाली कर रही हूँ मैं लिटरली. थैलियां तो रखी रखी हैं. ओके फाइन. तो पहले तो मैं ऑफ कैमरा एक काम करती हूँ कि मैं सारे के सारे जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वो ऑर्गेनाइज करती हूँ. अम्ब्रेला वॉज अ स्टेपल, तो उसको तो मैं ऑलरेडी रखी देती हूँ साइड में. पर बारिश आ सकती तो नहीं है वैसे तो, बट इसको बाहर वाले बैग में रखना चाहिए. सो आई एम कैरिंग लाइक थ्री बैग्स. वन इज दिस ट्रॉली. मतलब मुझे सब बोलते हैं कि भाई तू कितना माउंटेन्स में जाती है और तू बैग पैक कैरी नहीं कर सकती है, बट दिस इज कन्वीनियंट गाइज. नथिंग टॉप्स कन्वीनियंसी. गॉड, आई रियली हैव अ फ्रिक टन ऑफ थिंग्स जो मैंने ना उसमें लिखी है लिस्ट में. और आपको पता होगा कि ये मेरी पहली ट्रिप नहीं है. जस्ट लाइक एवरी अदर ट्रिप आई एम एंशियस AF. बाय गॉड, आज मैं सच में लाइक बिना सनस्क्रीन के बाहर चली गई थी तो मुझे ना अपनी स्किन पे फील हो रहा है. लिटरली आई कैन फील द इफेक्ट्स ऑफ सन ऑन माय स्किन. ये SD कार्ड है बाय द वे व्हिच आई ऑर्डर्ड सैमसंग का. 128 GB फॉर माई न्यू मेमोरीज. आई विल शो यू मेरे पास कितने सारे SD कार्ड्स हैं. तो सबसे पहले वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच अ वुमन नीड्स. अ मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन्स एंड पैड्स. सी, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था अब तक टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप को यूज करना एंड आई थिंक कंटिन्यू होने वाला है. बेटर लक दिस टाइम. आपने मेरे वो बियर्ड वाले समोसे और चाय वाले और पिज्जा वाले बर्गर वाले सॉक्स देखे होंगे. दिस इज बियर वाले सॉक्स. क्यूट. ओके, यहाँ पर मेरी सारी टॉयलेटरीज हैं. उधर भी हैं थोड़ी बहुत, बट सिंस एयरपोर्ट पे ये सारा सामान नहीं कैरी कर सकते आप तो मैं उसमें डालूंगी. ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि मैं कन्वीनियंटली इसमें डाल दूँ. ये मेरे अपर्स हैं, ये मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, दीज आर ऑल माई लोअर गार्मेंट्स. ये एक फैंसी में ले जा रही हूँ, जस्ट वन, क्योंकि क्या पता मौका मिल जाए टू गो ऑन अ डेट. और डेट पे कोई कुर्ता नहीं पहनता है बाय द वे, बट इट्स ओके, यू कैन मेक द ट्रेंड, यू कैन ब्रेक द ट्रेंड. ये ग्लव्स बहुत क्यूट है, मैंने मनाली में लिए थे. प्लस परफ्यूम लाइक बॉडी मिस्ट. ड्यूड्स, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि पता है मेरे साथ क्या हुआ. मैंने ना अपनी चप्पल बाहर रख रखी थी, एक कुत्ता आ गया और वो जो कुत्ता था ना वो सारी चप्पल को काट गया और वो मेरी फेवरेट चप्पल थी. इनफैक्ट मैंने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया था कि जब मैं वहां चल रही हूँगी उस XYZ एरिया में तब मैं उस चप्पल को पहनूंगी और वो मैच करेगी बिकॉज इट वॉज ऑल्सो पर्पल, इट वॉज ब्यूटिफुल. ठीक है, और मैंने दोनों ये वाला और मेरा एक और टी शर्ट जो है उसके मैचिंग है. एंड मैं आपको फोटो दिखाऊंगी इसके बाद. ठीक है, फर्स्ट अब सबसे हार्ड टास्क जो बचा हुआ है वो है इस बेचारे बैग को बंद करना. इतना घुसा है मैंने इस बेचारे को, इतना भी नहीं घुसा है, आराम से बंद हो रहा है. माय स्वीटी पाई, माय मंचकिन पाई. वो जो इसको जमाया नहीं है आपने इसलिए. अरे जमाया है मैंने, ठूसा है हर उसमें है ना वो जो ठूसा है आपने इसलिए नहीं है मैंने, हर चीज है ना जमाई है मैंने. और मेरा सबसे प्यारा साथी जो है ट्रैवल बडी ये, क्योंकि ये मेरे साथ He was with me from the bottom and now I am still at the bottom but he's still with me. Okay? तो चलते हैं. 1.5 घंटे में हमें जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम है तो वो खत्म करते हैं. कुछ एप्पल्स वगैरह खाते हैं, कुछ फैमिली टाइम क्वालिटी टाइम बिताते हैं. मेरे जाने से पहले आ गया तू. अरे यार ये कितनी मैं सोच रही थी इसने किया होगा ऐसा, बट नहीं आई तो बहुत प्यारी है. मेरी गोदी में नहीं आती है, आज मैं इसको गोदी में लेने का ट्राई करती हूँ बट ये मुझे काटेगी मुझे पता है. सारी बीवियाँ ऐसी होती हैं. दिस इज हाउ माय क्रश रिएक्ट्स व्हेन आई प्रपोज हिम. मैं 15 दिन जाऊँ 15 साल जाऊँ इधर आ जाऊँ के लिए नहीं करता. हाँ, दे दिया मैंने, एक्सेप्ट भी कर
कितनी बार लगी, इतनी मुश्किल से इसने ना हग किया है, ठीक है। ये देखो मेरी मम्मी क्या कर रही है, हम लोग ले रहे हैं सेल्फी इन क्लासिक आंटी स्टाइल। ऑलमोस्ट वी हैव 9 minutes लेफ्ट। कल मैं पापा से मिलने वाली हूँ, मैंने बताया था शादी बात। कल मैं सोच रही हूँ कोई फाइन डाइन करने जाऊँ, बट यू नेवर, डिपेंड्स ऑन माई मूड।